नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कॉर्न भेल यानी कच्ची मक्का के दानों की भेल। ये खाने में बहुत ही पौष्टिक होती है और सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और शाम के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कॉर्न भेल बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। कॉर्न भेल बनाने के लिए हमने एक बाउल कॉर्न लिए है, एक बाउल अनारदाना, थोड़े से मूँगफली के दाने, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और एक चम्मच नींबू का रस, दो टमाटर लिए मीडियम साइज के, थोड़ा हरा धनिया और एक ककड़ी लिए हमने। तो सबसे पहले हम कॉर्न को कुकर में बॉयल होने के लिए रख देंगे और इसमें मूंगफली के दाने भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। पानी उतना ही डालना है जितना कि ये डूब जाए, थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल देंगे। इसको बॉयल करने रख देंगे और 5 से 6 सीटी ले लेंगे हम। कॉर्न और मूंगफली के दाने बॉयल हो रहे तब तक हम ककड़ी और टमाटर को काट लेंगे। ककड़ी को एकदम बारीक बारीक काटना है और टमाटर को भी बारीक काटना है। ये कॉर्न और मूंगफली के दाने बॉयल हो गए हैं, इसमें एक्स्ट्रा पानी था जो हमने निकाल दिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। अब इसमें हम जो हमने ककड़ी काट कर रखी थी वो डालेंगे। टमाटर डालेंगे, अनार के दाने भी डाल देंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और डालेंगे क्योंकि हमने इसमें अभी अनारदाना, ककड़ी और टमाटर भी ऐड किया है, इसलिए थोड़ा सा नमक और डालेंगे। एक चम्मच लेमन जूस डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। तो लीजिए, हमारी कॉर्न भेल तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। देखा आपने, कॉर्न भेल बनाना कितना इजी है और बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है। तो आप भी कॉर्न भेल बनाइए और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने अनुभव बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।